तो हेलो क्लास, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल सेशन। और आज हम एनिमल किंगडम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। अब चलो इस पूरे चैप्टर को चालू करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब आप यहाँ वहाँ देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक मिलियन स्पीशीज से भी ज्यादा एनिमल्स को डिस्क्राइब हम लोग कर चुके हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन becomes all the more important. तो अब classification की जरूरत और ज्यादा पड़ चुकी है। और आगे चलते हैं, basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells. ठीक है, अब fundamental features है, कुछ fundamental features है which are common to various individuals. कौन से वो fundamental feature? सबसे पहले arrangement of cells, body symmetry, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ फंडामेंटल फीचर्स कहलाए जा सकते हैं। ये assertion reason true false में बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के perspective से, ठीक है। और आगे चलते हैं, दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। तो कुछ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया क्या है? मल्टी सेलुलर है, याद रखना। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर कोई नहीं दिखाता सेल्स की। फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस की बात करें तो सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स। तो स्पंजेस में क्या होता है? स्पंजेस में होता है लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर तुमसे पूछे सेलुलर लेवल कौन दिखाता है तो वो स्पंजेस दिखाते हैं, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज भी दिखाया जाता है यहाँ पे। सिलेंट्रेट्स की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इन टू टिश्यू, हेंस नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में कौन आ जाएगा? सिलेंट्रेट्स, ठीक है। टिश्यू लेवल में कौन आएगा? सिलेंट्रेट्स। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिंथेस एंड अदर हायर फाइला। तो ऑर्गन लेवल कहां से चालू हुआ? प्लेटीहेलमिंथेस से, ठीक है। अगेन सबसे छोटा था सेलुलर लेवल, सबसे पहले आया सेल, फिर आया टिश्यू और फिर आया ऑर्गन, ठीक है। सेल टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम दिखाया, प्लेटीहेलमिंथेस से चालू हुआ था दिखना। और आगे चलते हैं, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड टू पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। तो यहां ऑर्गन सिस्टम बनने लग गया, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होने लग गया। और आगे चलते हैं, ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर सिस्टम में एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो हमने अभी देख लिया। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाया जाता है। ये अगेन ट्रू एंड फॉल्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नीट के हिसाब से मैं मार्किंग जो जो करा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिंथेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, ठीक है, सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस, हेंस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। तो प्लेटीहेलमिंथेस की बात करें तो इसमें क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। और आगे चलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स। तो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें दो ओपनिंग जरूरी है, माउथ एंड एनस, ठीक है। तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है। अब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट में दो ओपनिंग्स होनी चाहिए, इनकम्प्लीट में सिंगुलर ओपनिंग से काम चल जाता है। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला ओपन टाइप, इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेथ इन इट। ओपन सिस्टम में क्या होता है? सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में बेथ करते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करें तो यहाँ क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, आर्टरी, वेन, कैपिलरी।
तो अगर वेसल्स है तो क्लोज्ड है, वेसल नहीं है तो ओपन है, ठीक है। यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री दिख रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। रेडियल सिमेट्री, दो से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है। और आगे आ जाते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। अब यहां पे तुम्हें इसकी थ्योरी दिख जाएगी। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो हम कह सकते हैं स्पॉन्जेस कैसे हैं, स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं। ये चीज नीट का पीवाईक्यू है, ये चीज नीट का पीवाईक्यू है। तुमसे बोला गया था आइडेंटिफाई द फॉल्स अमंग द फॉलोइंग, ए ट्रू अमंग द फॉलोइंग, और वहां लिखा हुआ था स्पंजेस हैव रेडियल सिमेट्री। तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया स्पंजेस तो ऐसे दिखते होंगे, तो इसको तो हम कैसे भी काट सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है, स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल पार्ट्स। When any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical half, it is called radial symmetry. तो ये radial symmetry हो गई, ये sponges नहीं दिखाते हैं, ठीक है। Cylindrates, sea ctenophores, ये हमें ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. तो तीन लोग radial symmetry दिखाते हैं, कौन कौन से, cylindrates, सी टेनोफोर्स, या फिर सी टेनोफोर मैं बोल रहा हूँ, इसको खाली टेनोफोर्स बोलते हैं, सी इसका साइलेंट होता है, एंड एकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे। एनिमल्स लाइक एनेलिड, आर्थ्रोपॉड एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, बायलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। तो बायलेटरल सिमेट्री कौन कौन दिखा रहा था, एनेलिड्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री कौन कौन दिखा रहा था, सबसे पहली बात एनेलिड्स, और सेकेंड लोग जो दिखा रहे थे वो था आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स दिखा रहे हैं। और आगे आ जाते हैं, अब आ गए हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो, जिन एनिमल्स में दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बस ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेट्स, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये याद रखना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोग्लिया होता है, क्या होता है, मीसोग्लिया इन बिटवीन, ठीक है। और आगे चलो, एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर कॉल्ड मीसोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, उनको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक। तो अगर हम बोले, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से चालू होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटीहेलमिंथेस, ठीक है। और आगे चलो, अब आ जाते हैं सीलोम में, अब किस में आ रहे हैं, हम सीलोम में आ रहे हैं। सीलोम में क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, वो बॉडी कैविटी जिसमें मीसोडर्म बीच में होगा उसको कहेंगे सीलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, ठीक है, जिनमें सीलोम होता है ना, सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनेलिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो एनेलिड के ऊपर वाले इन्होंने बोल दिया, एनेलिड, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड, एकाइनो, हेमी, कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी मीसोडर्म से लाइंड नहीं होती है, इंस्टेड मीसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। मीसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस में, अगेन ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम, ऐसी बॉडी कैविटी को हम कहेंगे सीडोसिलोम, जो एनिमल ये दिखाएंगे उन्हें कहेंगे सीडोसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमिंथेस, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू भी है, ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है। एस्केलमिंथेस, एस्केलमिंथेस क्या है, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट याद रखना है, पीवाईक्यू एस्केलमिंथेस का। अब यहां तुम्हें तीन डायग्राम दिख रहे हैं, इन तीन डायग्राम को अच्छे से देखो, पहला क्या है, सीलोम तुम्हें अच्छे से दिख रहा है पहले डायग्राम में, सीलोमेट, दूसरे में स्कैटर्ड पाउचेस की तरह प्रेजेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं सीडोसिलोम, और तीसरे में क्या है, एसिलोमेट, ये तीसरा एसिलोमेट है। एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट, यहां बॉडी कैविटी नहीं है तो इसे एसिलोमेट कहेंगे हम। अब आ जाते हैं हम सेगमेंटेशन में,
नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स बॉडीज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड, कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन। ठीक है, मतलब सेगमेंटेशन में क्या होता है, सीरियल रिपीटेशन भी होनी चाहिए, एक्सटर्नली इंटरनली कुछ लोग डिवाइडेड होते हैं, कुछ की बॉडीज डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म की बात करें तो बॉडी शोज पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अर्थवॉर्म क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाता है? तो इसका आंसर है हाँ, दिखाता है। ठीक है, फिनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म, याद रखना। अब आ जाते हैं नोटोकॉर्ड में, तो नोटोकॉर्ड इज मीसोडर्मली डिराइव्ड। सबसे पहली बात, नोटोकॉर्ड कहां से डिराइव्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड कहां से डिराइव्ड है, मीसोडर्मली डिराइव्ड, ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क करा दी। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह होता है, फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो नोटोकॉर्ड कौन सी साइड होनी चाहिए, डॉर्सल साइड होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉर्डेट्स, दोज विदाउट आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। पॉरीफेरा से एकाइनोडर्म नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, याद रखो पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा से एकाइनो तक, पॉरीफेरा से एकाइनो तक कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, अब ये आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे आएगी एक टेबल, इस टेबल को तुम 2 मिनट रुक के ढंग से देखो, इस टेबल से ही तुम्हारे आधे से आधा चैप्टर सॉर्ट हो जाएगा, ये बेसिस बनाएगा। ठीक है, ये बेस बनाएगा, ये टेबल अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें किंगडम दिख गया, एनिमेलिया की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। अब कैसे डिवाइड किया है, तो सबसे पहला डिवीजन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सेकंड डिवीजन होगा सिमेट्री का, थर्ड डिवीजन होगा बॉडी कैविटी या सीलोम का, और फोर्थ डिवीजन जो है वो फाइलम बेस्ड होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम का लेवल। चलो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सेलुलर लेवल और टिश्यू या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल दिख रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो सकती है, तो सेलुलर लेवल तो पहले ही अलग कर दिया। अब सेलुलर लेवल में आगे जाओगे तो सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, बॉडी कैविटी की बात करें तो एसिलोमेट होती है। ठीक है, एंड फाइलम की बात करें तो ये आता है पॉरीफेरा में, किसमें आता है, पॉरीफेरा में आता है। अब आ जाते हैं टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में जब आप आओगे तो 2 टाइप की सिमेट्री आपको दिखेगी, एक है रेडियल सिमेट्री और एक है बाइलेटरल सिमेट्री। 2 टाइप की सिमेट्री, कौन सी, रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। अब आ जाते हैं बॉडी कैविटी में, तो अगर बॉडी कैविटी की बात करो आप टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले जीवों में, तो वहां पे एसिलोमेट होगा या फिर सीडोसिलोमेट होगा या सिलोमेट होगा। ठीक है, 3 ही टाइप की हमने देखी थी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट या सिलोमेट। सिलोम होना चाहिए, सीडोसिलोम होना चाहिए, सिलोम नहीं होना चाहिए। अब सबसे एंड में देखो, अगर यहां से मैं बोलूं पॉरीफेरा को डिफाइन करो, डिफाइन पॉरीफेरा, तो तुम कैसे कर सकते हो, पॉरीफेरा के लिए सबसे पहले तुम बोलोगे एसिलोमेट है, सेकेंडली तुम बोलोगे मोस्टली एसिमेट्रिकल है, थर्डली तुम बोलोगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और फोर्थली बोलोगे मल्टी सेलुलर है और किंगडम एनिमेलिया में आता है। तो अगर तुम कुछ भी रिवर्स टाइप से चलोगे तो तुम किसी भी फाइलम को एक्सप्लेन कर सकते हो, याद रखना। जैसे एस्केलमिंथिस, अब कोई नीट में बोले एक्सप्लेन फाइलम एस्केलमिंथिस, तो यहां पर तुम कह सकते हो सीडोसिलोम है। ठीक है, फॉल्स सिलोम या फिर सीडोसिलोम है, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री के बाद टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम दिखा रहा है, उसके बाद मल्टी सेलुलर एनिमेलिया दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से मतलब तुम कुल मिला के अगर उल्टा चलोगे, ठीक है, कुल मिला के अगर उल्टा चलोगे, अगर मैं टेबल की बात करूं और टेबल में तुम राइट से लेफ्ट अगर चलोगे, तो तुम किसी भी फाइलम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझे, किसी भी फाइलम को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर तुम्हें फॉर एन एग्जांपल मैंने एस्केलमिंथिस बताया, पॉरीफेरा बताया, अगर कोई बोले ये टेनोफोरा को समझाओ, तो टेनोफोरा को समझाने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा फाइलम कौन सा है, टेनोफोरा।
फिर मैं बोलूंगा बॉडी कैविटी क्या है, तो टेनोफोरा में अगर तुम पीछे जाओगे तो तुम्हें दिखेगी ए सिलोमेट, तो टेनोफोरा ए सिलोमेट है। और पीछे जाओ तो सिमेट्री बता सकते हो, रेडियल सिमेट्री। उससे पीछे जाओ तो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, एंड उससे पीछे जाओ तो मल्टी सेलुलर एनिमेलिया। तो इस तरीके से अगर ये टेबल तुम्हें आती है तो तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। अब आ जाते हैं फाइलम्स में, इंडिविजुअल फाइलम्स में। सबसे पहले बात करेंगे पॉरीफेरा की, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। सही बात है, पॉरीफेरा का जो कॉमन नेम है वो है स्पंजेस। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये जनरली मरीन होते हैं एंड एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, प्रिमिटिव प्राचीन काल के मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं ये। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले देख लिया था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये चीज हमने पहले देख ली थी। स्पंजेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया कहां से अंदर घुसता है, माइन्यूट पोर्स से। उन माइन्यूट पोर्स का नाम क्या है, ऑस्टिया, ठीक है। इन द बॉडी वॉल इन टू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, तो सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। कहां से अंदर घुसता है, ऑस्टिया से। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, बाहर कहां से जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि इनके यूसेज क्या है, अगेन नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या यूज है इसका, तो तुम बताओगे फूड गैदरिंग, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है। और आगे चलते हैं, अब क्वेनोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेनोसाइट्स ये क्या काम करता है, क्या है ये, तो क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, लाइन करते हैं उनको, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो बॉडी में जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है, ये अगेन एक पीवाईक्यू रह चुका है, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। सेक्सेस नॉट सेपरेट, ये चीज पीवाईक्यू में पूछी गई थी, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दे दिए थे, बोला था इनमें से हर्माफ्रोडाइट कौन सा है, वो कौन से हैं जिनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो इस तरीके से तुम इन्हें बता सकते हो, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एसेक्सुअली कैसे करेंगे, एसेक्सुअली करने के लिए फ्रेगमेंटेशन यूज करेंगे एंड सेक्सुअली करने के लिए गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये लास्ट की चीज जो है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, याद रखना, ठीक है, सेलुलर बॉडी है लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, ये चीज पे भी क्वेश्चन आ रखा है यार, बहुत क्वेश्चन आए इस एक पैरा से। जो हमारा डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा स्टेज होती है, ठीक है। स्पंजेस में, पॉरीफेरा में एक लार्वा की स्टेज होती है, वो लार्वा स्टेज मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है एडल्ट से, ये बात याद रखना। और आगे चलो, एग्जाम्पल्स देख लो अब इसके, फाइनली जब तुम इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, वो पेपर में एज इट इज एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तुम्हें दिख रहा है साइकॉन, ठीक है, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, यार वो तुमसे पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, फिर वो तुमसे बोल देंगे बताओ भाई बाथ स्पॉन्ज कहाँ है, कौन सा है, या फिर वो तुमसे पूछ लेंगे फ्रेश वाटर वाला कौन सा होता है, या फिर तुमसे पूछ लेंगे साइकॉन का नाम क्या है। तो इसलिए तुम्हें याद रखना है फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया, और इनके ये भी देख लो, फिगर्स भी ढंग से देख लो। साइकॉन कैसा दिखता है, साइक साइक दो है, साइकॉन साइक साइक दो है, यू स्पॉन्जिया
यूस्पॉन्जिया से कुछ नहीं होता, ऐसे पड़ा हुआ है बस गोल सा यूस्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला में बहुत सारे ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, याद रखो। अब आ जाते हैं सिलेंट्रेटा में, निडेरिया भी बोलते हैं इसे, फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसिल और फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब ऐसे तैरते रहते हैं, बहाव के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। रेडियली एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। नेम्स निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स की वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ा है, ठीक है। अब नीडोसाइट क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, इनके बारे में देख लो। पहले यहाँ दो डायग्राम दिख रहे हैं, दो डायग्राम को ढंग से देखो। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पहले ऑरेलिया मेड्यूसा और एडेम्सिया पॉलिप, दो इनके बॉडी फॉर्म्स होते हैं, मेड्यूसा, मेड्यूसा एंड पॉलिप, ठीक है। मेड्यूसा ऐसा दिखता है, पॉलिप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है, आगे जाके हम थ्योरी में भी पढ़ने ही वाले हैं। एग्जाम्पल है इसका ऑरेलिया, मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और पॉलिप का एग्जाम्पल है एडेम्सिया, याद रखना। अब आ जाओ नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स में, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। स्टिंगिंग कैप्सूल स्टिंग करती है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी, टेंटिकल्स और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। अब इनका यूसेज क्या है, ये अगेन नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यूसेज क्या है, एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे के लिए इंपॉर्टेंट है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं निडेरियंस एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर, गैस्ट्रोवैस्कुलर गैस्ट्रिक पेट, ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, अकेली ओपनिंग होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ होता है हाइपोस्टोम में। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, ये चीज तुम्हें थोड़ी सोच के अजीब नहीं लग रही, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि देखो अभी हमने स्पंजेस में पढ़ा था, कि डाइजेशन हमारा इंट्रा सेलुलर था और यहां डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर दिख रहा है, तो याद रखना डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर यहां शब्द आया है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कॉरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई कॉरल्स, कॉरल रीफ किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का। हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का इनके पास होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप और मेड्यूसा, दो बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, पॉलिप कैसा होता है, पॉलिप होता है सिलेंड्रिकल और सिसाइल, ठीक है, जैसे हाइड्रा एडेम्सिया ऐसे। वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, दूसरे वाले होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, फ्री स्विमिंग तैर सकते हैं हवा, जैसे ऑरेलिया या फिर जेलीफिश, याद रखो जेलीफिश। यूजुअली बच्चे बता नहीं पाते जेलीफिश किस में आती है, तो निडेरिया में आती है। आपने सुना होगा जहरीली जेलीफिश ने डस लिया, पाँव में चिपक गई, ये हो गया वो गया। फ्रेंड्स में भी एक एपिसोड था जब जेलीफिश ने काट लिया था तो उसके ऊपर उसके पाँव पर यूरिनेट किया था, है ना। इसलिए दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अगेन PYQ है ये, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। PYQ रह चुका है, दोबारा आने की संभावना है। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, अगेन PYQ। पॉलिप्स मेड्यूसा कैसे बनाएंगे, एसेक्सुअली, लेकिन मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाएगा, सेक्सुअली। मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, जैसे ओबेलिया, मेड्यूसा से पॉलिप बनना है तो ये कैसे होगा, ये सेक्सुअली होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनेमोनी का नाम क्या है, एडेम्सिया। पेनाटुला सी पेन, देखो पेन पेनाटुला नाम याद है, सिमिलर है, हो जाएगा। गॉर्गोनिया सी फैन, पंखा कैसे घूमता है, गोल गोल, गॉर्गोनिया गोल गोल, तो सी फैन। मियांड्रिना ब्रेन कॉलर, ब्रेन कोरल,
मी एंड रीना ब्रेन कोरल ब्रेन याद रखो मीन ब्रेन जो ज्यादा समझदार होते हैं ना जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो मीन हो जाते हैं वो दूसरों से ढंग से बातचीत नहीं करते टीचर्स फेवरेट तो जिनके पास ब्रेन है वो कैसे हैं वो मीन है ऐसे याद रखो जिनके पास ब्रेन है वो मीन है। अब आ गए हम फाइलम टेनोफोरा में या फिर सी टेनोफोरा जैसे बोलना है बोल सकते हो फाइलम टेनोफोरा में आ गए। टेनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज इनको क्या बोलते हैं इनको सी वॉलनट बोलते हैं वॉलनट जैसे दिखते हैं ना एंड सी ओ सॉरी कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं वॉलनट एंड कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन है ये सिर्फ मरीन है और कुछ नहीं है एक्सक्लूसिवली मरीन। रेडियली सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री दिख रही है कैसे भी कट सकता है ठीक है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स बॉडी में 8 बहुत इंपॉर्टेंट 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स ठीक है। एक और चीज बीच में थी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये ठीक है। और आगे चलते हैं अब कॉम्ब प्लेट्स का यूज क्या है तो कॉम्ब प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है इंट्रा सेलुलर भी है बोथ है ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस बहुत एसेंशियल चीज है इसका डिफाइनिंग फीचर है ये बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट लाइट छोड़ता है चमकता है इज वेल मार्क्ड इन सी टेनोफोर्स तो सी टेनोफोर्स में देखा जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड सी टेनोप्लाना तो सी टेनोफोरा या फिर टेनोफोरा और टेनोप्लाना ये तो नाम सेम है तो बता सकते हो तुम दोनों को। और अब है प्लूरोब्रैकिया प्लूरोब्रैकिया याद रखो ये है प्लूरोब्रैकिया। अच्छा तुमसे पूछा जा सकता है बायोल्यूमिनेंस किस में देखी जाती है तुमसे पूछ सकता है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन दिखाता है तुमसे पूछा जा सकता है कितनी एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है तुमसे पूछा जा सकता है सी वॉलनट क्या है तुमसे पूछा जा सकता है कॉम्ब जेली क्या है तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखी जाती है तो वो सब सी टेनोफोरा में देखा जाता है या फिर टेनोफोरा में। अब आ जाते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तुमने प्लेट देखी है प्लेट जिसमें खाना खाते हो वो प्लेट कैसी चिपकी होती है पतली सी होती है तो वैसे याद रखो प्लैटीहेलमिंथेस प्लेट जैसा पतला है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स तो इन्हें क्या कहते हैं फ्लैट वर्म कहते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है बॉडी के अंदर पाए जाते हैं फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं ये ठीक है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एसिलोमेट होते हैं क्या होते हैं ये एसिलोमेट ये पीवाईक्यू रह चुका है यहां से पीवाईक्यू आया है कि ये सिलोमेट है सीडोसिलोमेट है एसिलोमेट है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एस्केल्मिंथेस पहले आया था कि प्लैटीहेलमिंथेस पहले आया था तो पहले प्लैटीहेलमिंथेस आया था ठीक है इसके बाद तुम एस्केल्मिंथेस पढ़ोगे तो ये एसिलोमेट है एस्केल्मिंथेस सीडोसिलोमेट होगा ठीक है। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स हुक और सकर होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी कुछ तो डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाना ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू है पीवाईक्यू फ्लेम सेल्स किस में काम करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में करेंगे ठीक है एंड एक्सक्रीशन में करेंगे तो दोनों चीजों में काम करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों काम दिखाते हैं फ्लेम सेल ये पीवाईक्यू रह चुका है कि फ्लेम सेल किस में पाए जाते हैं तो प्लैटीहेलमिंथेस में पाए जाते हैं क्या काम करते हैं ठीक है। अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट सेक्सेस सेपरेट नहीं है मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस बहुत सारे लार्वा के स्टेजेस इसमें पाए जाते हैं
लार्वल स्टेजेस डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है. सम मेंबर्स आर प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी. प्लेनेरिया में हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है, उनको काट दो वो नया उगा देगा. ठीक है, एग्जाम्पल टीनिया, टेपवॉर्म, फैशियोला, लिवर फ्लूक. और आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं फाइलम एस्केलमिंथेस में. तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी कि पहले प्लेटियलमिंथेस आया फिर एस्केलमिंथेस आया. ठीक है, एस्केलमिंथेस कैसे, पहले पतला बना दिया फिर उसको राउंड कर दिया फुला के, तो एस्केलमिंथेस बाद में आया. अब एस्केलमिंथेस में क्या होता है, पहली बात तो सीडोसिलोमेट होता है, याद रखना. बॉडी ऑफ एस्केलमिंथेस सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन. ठीक है, नेम राउंड वॉर्म, इसलिए एस्केलमिंथेस का नाम राउंड वॉर्म पड़ा है. दे मे बी फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरिटोरियल और पैरासिटिक. फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरिटोरियल और पैरासिटिक होते हैं. ठीक है, और आगे चलो. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जा सकते हैं. राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाई जाती है. दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीडोसिलोमेट होते हैं. तो बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट होते हैं, याद रखना. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अभी अभी हमने देखा था, कब होती है, जब उसमें माउथ और एनस के दो सेपरेट छेद हों. ठीक है, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे पाया जाता है. एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर भी यहाँ पे पाया जाता है. सेक्सेस फाइनली सेपरेट हो गए, डायोशियस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. PYQ भी है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, assertion reason में भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, याद रखना, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं. मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं. तो सेक्सुअल डायमॉर्फी भी दिखाई जाती है यहाँ पे. फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स मेल से ज्यादा लंबे होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट. यंग वंस रिजेंबल एडल्ट्स और इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट होगा तो यंग वन एडल्ट की तरह दिखेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो नहीं दिखेंगे. एग्जाम्पल दिख सकते हैं तुम्हें, एस्केरिस हो गया राउंड वॉर्म, व्यूचेरिया हो गया फिलेरियल वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हो गया हुक वॉर्म. अब आ जाते हैं एनेलिडा में, फाइलम एनेलिडा. फाइलम एनेलिडा में आ गए. दे मे बी एक्वाटिक, मरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल. एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासिटिक, कभी कभार पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, भाई वैरायटी दिखा रहा है ये आदमी. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं. बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है, सिलोमेट है, और बॉडी सर्फेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड है सेगमेंट से. इन सेगमेंट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटामर्स. मेटामर्स बोलते हैं, बॉडी सरफेस में होती है. हेंस फाइलम नेम एनेलिडा. लैटिन में एनेलिस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स. लैटिन में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लैटिन में एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स. ठीक है, याद रखना. अब और आगे चलते हैं. दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स यहाँ पाई जाती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प कर देती हैं. एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नेरेस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस. तो नेरेस जो है, ये है नेरेस, याद रखना, ठीक है, कन्फ्यूज मत कर देना, ये नहीं है, ये है नेरेस. ये एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक होता है. नेरेस क्या है, एक्वाटिक. ठीक है, लेटरल अपेंडेजेस इसमें पाई जाती है, ये सारी लेटरल अपेंडेजेस. पैरापोडिया इन्हें कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं ये. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है. नेफ्रेडिया की बात करें तो जिन्हें सिंगल में नेफ्रीडियम बोलते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. नेफ्रीडिया पाया जाता है भाई यहाँ पे, नेफ्रीडिया यहाँ पे पाया जाता है. तुमसे अगेन पूछा जा सकता है नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है, जैसे हमने अभी देखा था फ्लेम सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना नेफ्रीडिया एनेलिडा में पाया जाता है. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा और एक्सक्रीशन का काम करेगा. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन. न्यूरल सिस्टम में क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है. कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, याद रखो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है,
ये PYQ भी है, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड याद रखना, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरेस की बात करें, जो एक्वाटिक फॉर्म है, इट इज डायोशियस, नेरेस डायोशियस है, मेल फीमेल अलग होते हैं इसमें। अब और आगे चलते हैं, अर्थवॉर्म लीचेस मोनोशियस होते हैं, पता है हमें अर्थवॉर्म लीचेस मोनोशियस होते हैं। और आगे चलते हैं, अब यहां पे तुम्हें एग्जांपल्स दिख रहे हैं, इन एग्जांपल्स में ध्यान दो, नेरेस फेरेटिमा अर्थवॉर्म हिरोडिनेरिया ब्लड सेकिंग लीच। तो लीच अर्थवॉर्म ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन, लीच अर्थवॉर्म इसी के एग्जाम्पल होते हैं। अब आ जाओ फाइलम आर्थ्रोपोडा पे, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज आर्थ्रोपोड है, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कवर्ड बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स में चिटिन होता है, या काइटिन तुम इसे बोल सकते हो, तुम जो बोलोगे बोलो, बस पेपर में इसे लिखना याद रखना, नाम याद रखना, स्पेलिंग याद रखना, काइटिन या चिटिन जो भी बोलो, एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है। बॉडी की बात करें तो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये तीन चीजें यहाँ है, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इसका अगेन एक ऐसा फीचर है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो आइडेंटिफाइंग फीचर की बात करें, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे होते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग या ट्रैकियल सिस्टम, ये सब होते हैं इसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जब आप बात करोगे तो वो ओपन टाइप का है। सबसे पहली बात तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आईज कैसी होती है, कंपाउंड और सिंपल। आंखें कैसी है, कंपाउंड और सिंपल। स्टेटोसिस्ट, अगेन एक चीज यहां पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट, और ये स्टेटोसिस्ट असल में PYQ है, तुमसे पूछा गया स्टेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है। और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, स्टेटोसिस्ट का यूज क्या है, तो स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस करने में यूज होता है। और आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलफीजेंट ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन कैसे टेक प्लेस करता है, मेलफीजेंट ट्यूब्यूल से। दे आर मोस्टली डायोशियस, मोस्टली कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। दे मे मोस्टली बी ओवीपैरस, मोस्टली ओवीपैरस अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, भाई जिससे पैसा कमाया जा सकता है उसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो पैसा कमाने वाले इंसेक्ट में सबसे पहले तो आ गई हनी बी, भाई हनी बी हनी मिलती है। फिर आ गई बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, फिर आ गया लैकीफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर्स क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। वेक्टर्स में सबसे पहले एनोफिलीस, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब मॉस्किटो है, एनोफिलीस, क्यूलेक्स, एडीज, ठीक है। अब आ गए ग्रेगेरियन पेस्ट, लोकस्टा। ग्रेगेरियन पेस्ट क्या होता है, हमला करते हैं, सारी फसल खराब करते हैं और चले जाते हैं, लोकस्टा, लोकस्ट। फिर आ गए लिविंग फॉसिल में, ये है लाइबेलस या फिर किंग क्रैब, ये नीट का PYQ है और नीट में बहुत बार पूछा जाता है, लाइबेलस और किंग क्रैब। अब आ जाते हैं फाइलम मोलस्का में, मोलस्का में सबसे पहली बात, सेकेंड लार्जेस्ट है एनिमल किंगडम का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये एनिमल किंगडम का। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप के हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय कैल्सेरियस शेल, कैल्सेरियस शेल की बॉडी होती है,
अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प. हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प यहाँ पे पाया जाता है. सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मैंटल ओवर द विसरल हम्प. एक मैंटल भी यहाँ फॉर्म होता है विसरल हम्प के ऊपर. स्पेस बिटवीन हम्प एंड मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी. वो स्पेस जो मैंटल मैंटल और हम्प के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, मैंटल कैविटी कहते हैं. फेदर लाइक गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. गिल्स होते हैं जो कि फेदर लाइक होते हैं, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, याद रखना. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. तो गिल्स का फंक्शन अगर तुमसे पूछे तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. तो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन के लिए ये यूजफुल है. द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स. एंटीरियर साइड ऑफ हेड में सेंसरी टेंटिकल्स हैं. माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला. मुंह में एक रैस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, रैस्पिंग ऑर्गन है फाइल लाइक, जिसे कहते हैं रेड्यूला. रेड्यूला क्या करता है, खाना खाने में मदद करता है. दे आर यूजुअली डायोशियस ओवीपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, याद रखना. डायोशियस ओवीपेरस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये लोग दिखाते हैं. अब आ जाओ एग्जाम्पल्स में. सबसे पहले पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश. याद रखो ये डेविल फिश ना PYQ है. डेविल फिश PYQ है. क्या होता है डेविल फिश, कौन होता है, किसका कॉमन नेम डेविल फिश है, डेविल फिश का कॉमन नेम क्या है, ऑक्टोपस. एप्लीसिया सी हेयर, डेंटालम टस्क शेल एंड केटोप्लूरा काइटोन. अब ये सारी चीजें ना बहुत बार वो पेपर में पूछते हैं. यार देखो बायो में एग्जाम्पल और टेबल ही 35-40% ऑफ तुम्हारे क्वेश्चंस बना देती है, तो इनको खराब नहीं करना है. अब आ जाते हैं एकाइनोडर्मेटा में. दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल्स. एंडोस्केलेटन होता है, याद रखना, एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है. नेम एकाइनोडर्मेटा या फिर स्पाइनी बॉडीड, एकाइनोडर्मेटा का मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडीड, ठीक है. ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सारे मरीन है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. एडल्ट की बात करें तो रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे. एडल्ट क्या दिखाएंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है. दे आर और लार्वा दिखाएंगे बायलेटरल सिमेट्री. एडल्ट लेटरल सिमेट्री, लार्वा बायलेटरल सिमेट्री. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगेन याद रखो कैसे है वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोमेट. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड होता है, एनस अपर साइड होता है. माउथ नीचे एनस ऊपर, ठीक है. मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम. सबसे डिस्टिंक्ट फीचर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम. हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है यूजुअली. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होता है. एग्जाम्पल्स अगेन एस्टेरिस जो कि स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकु मारिया सी कुकुम्बर एंड ऑपनूरिया जो कि है ब्रिटल स्टार. अब और आगे चलते हैं. अब आ गए हम हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है. अब आ गए हम हेमिकॉर्डेटा में. हेमिकॉर्डेट्स वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा. पहले कॉर्डेटा के अंडर ही सब फाइलम की तरह इसको ट्रीट किया जाता था, कंसिडर किया जाता था. बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम. अब सेपरेट फाइलम की तरह हम यूज करते हैं. नॉन कॉर्डेट्स के अंडर में आता है, याद रखना, ठीक है. नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये. किसके अंडर में आता है, नॉन कॉर्डेट्स के अंडर में आता है. पहले कॉर्डेट्स का सब फाइलम था. हेमिकॉर्डेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन. रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, बचा हुआ स्ट्रक्चर है कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. इनके पास क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड. इनके पास होता है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है. फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स. वॉर्म जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है. दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल, बीच से कट सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक अब उसके बाद से सभी हैं, सिलोमेट भी सारे ही है. बॉडी सिलेंड्रिकल है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक.
एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, ये रहा ट्रंक, ये कॉलर, ये एंटीरियर प्रोबोसिस, ये बेलेनोग्लॉसस का एग्जांपल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल से रेस्पायर करते हैं ये। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है हमारा वो एक्सक्रीशन का हेल्प करता है, प्रोबोसिस एक्सक्रीशन करेगा। और आगे चलो, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस होते हैं, याद रखना। अब आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा में, तो फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डॉर्सल, नोटोकॉर्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर फेलेंजियल गिल्सलेट्स। ये तीन चीजें इनके पास होनी चाहिए, कौन सी, पहली नोटोकॉर्ड, दूसरी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और तीसरी पेयर्ड फेलेंजियल गिल्सलेट्स, ये तीन चीजें इनके पास होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिख रहा है, ये एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क द फॉलोइंग में आ सकता है, मार्क में आ सकता है, लेबलिंग में आ सकता है, ठीक है, ऐसे ए दे देंगे, ये बी दे देंगे, बताओ क्या है। तो नर्व कॉर्ड है और ये है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड है बाहर की साइड, नोटोकॉर्ड है अंदर की साइड, याद रखना। नोट कहाँ रखते हो, पर्स में नोट बिल्कुल अंदर तक रखते हो ना, पैसे अंदर रखोगे ताकि कोई ले लेना ले, तो नोटोकॉर्ड अंदर, नर्व कॉर्ड बाहर। गिल्सलेट्स दिख रहे हैं, पोस्ट एनल पार्ट दिख रहा है। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट एनल टेल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एक टेबल है, इसमें कुछ ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट, यह सबको पता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, यहाँ पे होता है वेंट्रल, यहाँ पे है हॉलो सिंगल, यहाँ होता है डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, PYQ भी रह चुका है मेरे ख्याल से। कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो और सिंगल, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल सॉलिड और डबल। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्सलेट्स, गिल्सलेट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल, हार्ट डॉर्सल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट टेल एब्सेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, यूरोकॉर्डेट, टूनिकेटा, सेफालोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स को ही हम टूनिकेट भी बोलते हैं, सेफालोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। सब फाइलम यूरिकॉर्डेट एंड सेफालोकॉर्डेट आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, इनको क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है। किन किन को, प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए सेफेलोकॉर्डेट्स या फिर यूरोकॉर्डेट्स, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, वाइल इन सेफेलोकॉर्डेट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, सेफेलोकॉर्डेट्स में हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है। Persistent throughout their life भी present होती है। Example, यूरोकॉर्डेट में एसिडिया सल्पा डॉलियोलम, सेफेलोकॉर्डेट का है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस लैंसलॉट। यार ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, द मेंबर्स ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजेनियस और बोनी वेंट्रल कॉलम, इसको फिर रिप्लेस कर देता है वेंट्रल कॉलम इन द एडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसर्शन और रीजन से पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, याद रखना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, टू थ्री और फोर चेम्बर्स, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्ब्स। पेयर्ड अपेंडेजेस, दो हाथ होते हैं। अब और आगे आ जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगी एक टेबल, इस टेबल को ढंग से देखो, इस टेबल को ढंग से देखो। वर्टिब्रेटा का डिवीजन हो रखा है एग नाथा, जॉ नहीं है, लैक्स जॉ, नैथोस्टोमा बियर्स जॉ, अब इसकी एक सुपर क्लास है। उसके बाद पाइसेस फिन्स होते हैं, टेट्रापॉड हाथ होते हैं। अगर फिन है तो दो टाइप की हो गई, कॉन्ड्राइक्थेस मतलब कार्टिलेजेनियस, ऑस्टाइक्थेस मतलब बोनी। अगर
लिम्स हैं तो हो गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स हम। अब जिनके पास जॉ नहीं होता वो होते हैं साइक्लोस्टोमा, जिनके पास जॉ नहीं होता वो होते हैं साइक्लोस्टोमा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमा के बारे में। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, दूसरी फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं, एक्सटर्नली वो चिपके रहते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे हैव एलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 to 15 गिल स्लिट्स के पेयर्स होते हैं, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉस का। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बॉडी में स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, देखो पेयर्ड है यहाँ, यहाँ नहीं है, तो पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, सब कुछ कार्टिलेजिनियस होता है, क्रेनियम मतलब जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, क्लोज सर्कुलेशन है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, माइग्रेट करते हैं अंडे देने के लिए, स्पॉन करने के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, अंडे देने के कुछ ही दिन बाद वो मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, ठीक है, जो उनके लार्वा होते हैं वो कुछ टाइम बाद ओशियंस में चले जाते हैं। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे माइक्सिन हैगफिश, ये दो एग्जाम्पल याद रखो, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे माइक्सिन हैगफिश। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टिस में, क्लास कॉन्ट्रैक्टिस। देयर मरीन एनिमल, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउथ डॉर्सल है कि वेंट्रल है, तो वेंट्रल माउथ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, गिल स्लेट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लेट्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं होता है, कवर नहीं होता है, स्किन टफ होती है, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ क्या है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं टीथ। जॉस आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, प्रेडेटर्स होते हैं। ड्यू टू एबसेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, एयर ब्लैडर नहीं होता है तो कॉन्स्टेंटली उन्हें स्विम करना पड़ता है, स्विम नहीं करेंगे तो नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। और आगे चलो, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हार्ट इज टू चेम्बर्ड, ठीक है, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, जैसे टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, ठीक है। सम आर पॉइजनस स्टिंग, जैसे ट्राइगोन स्टिंगरे, दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मस, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स में पेल्विक फिन बियर क्लास्पर्स, मेल्स में पेल्विक फिन जो होता है उसमें क्लास्पर होता है, याद रखना। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर वीवीपैरस, काफी सारे वीवीपैरस भी होते हैं, जैसे स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, कार्केडोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे। अब आ जाते हैं ऑस्टाइक्थेस में, क्लास ऑस्टाइक्थेस मतलब बोनी फिशेस में हम आ चुके हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कैसा है टर्मिनल, पहले कैसा था वेंट्रल। दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, फोर पेयर ऑफ गिल्स इनके पास होते हैं, कवर्ड बाय ओपरकुलम, कवरिंग होती है इनके पास। स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड स्टेनॉइड स्केल्स, इनकी स्किन में कैसे स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड या फिर स्टेनॉइड स्केल्स होते हैं, एटेनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बॉयंसी, एयर ब्लैडर है बॉयंसी के लिए। हार्ट इज टू चेम्बर, टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली वीवीपैरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लो, एक्सोटस फ्लाइंग फिश, एक्सोकोइटस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लोबियो, राहू, कटला कटला, क्लैरियस मगुर, एक्वेरियम की बात करें तो बेटा फाइटिंग फिश या टेरोफाइलम एंजल फिश। और आगे आओ, अब आगे एम्फीबिया में, जल्दी जल्दी खत्म करना है अभी से, ठीक है। एम्फीबिया नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, समझ गए। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, बॉडी डिविजिबल हेड और ट्रंक में होती है, हेड और ट्रंक में होती है बॉडी डिवाइडेड। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, स्केल्स नहीं होते, स्किन मॉइस्ट होती है। आइज हैव आईलेट्स, आइज के ऊपर आईलेट्स होती है। टिम्पैनम की बात करें तो ईयर है वहां पे। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका, क्लोएका नाम का एक कॉमन चेंबर होता है जिसके अंदर तीन चीजें होती है, एलिमेंट्री कैनाल,
यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों एक ही चेंबर में खुल जाते हैं। विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, स्किन से भी ये रेस्पायर कर सकते हैं, गिल्स से भी, लंग्स से भी। हार्ट इज थ्री चेंबर्ड, ठीक है, टू ऑरिकल्स, वन वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा, सेलेमेंडर, इश्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ पे देखो रेप्टाइल्स की बात करते हैं। अब ये डायग्राम्स तुम्हें पता होने, ये तो तुम पहचान ही लोगे यार, कैमेलियन, क्या क्रोकोडाइल के। अब हम रेप्टाइल में आ गए, ठीक है, अब हम किस में आ गए, अब रेप्टाइल में आ गए हैं, तो जल्दी से हम रेप्टाइल भी खत्म कर लेते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। क्रीपिंग, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन में रेपेर और रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, देयर बॉडीज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं इनके ऊपर एपिडर्मिस में, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम भी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं अगर प्रेजेंट हुए तो। हार्ट इज यूजुअली थ्री चेंबर्ड, थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है, फोर चेंबर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में देखा जाता है। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, पॉइकिलोथर्मस मतलब जो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओवीपेरस होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखो, चिलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइस, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमीडैक्टिलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा, कोबरा, बैंगरस, क्रेट एंड वाइपेरा, वाइपर। अब आ जाते हैं एव्स, बर्ड्स में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो फेदर्स होते हैं इनके ऊपर। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्यू फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ को छोड़ के ज़्यादातर उड़ सकते हैं, भाई तो कॉमन सेंस वाली बात है। ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकती। बीक होती है, फोर लिम्ब्स विंग्स में बने होते हैं, हाइंड लिम्ब्स स्केल्स, हाइंड लिम्ब्स में स्केल्स होती है, मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचेस पकड़ने के लिए। स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस में एक ऑयल ग्लैंड होता है, उसके अलावा कोई ग्लैंड्स नहीं होते। एंडोस्केलेटन की बात करें तो फुल्ली ऑसिफाइड है, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, वेट लाइक करने के लिए उड़ने में मदद करेगी। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेंबर्स, डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ एडिशनल चेंबर और होते हैं, क्रॉप एंड ग्रिजार्ड, क्रॉप और ग्रिजार्ड। हार्ट कंप्लीटली फोर चेंबर्ड होता है, दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स, एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन लंग से होता है। यहाँ तुम्हें कुछ बर्ड्स दिख रही हैं, इन बर्ड्स को ढंग से देख लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। एयर सैक्स की बात करते हैं, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दे आर ओवीपेरस, अंडे देती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा वगैरह कुछ नहीं होता है। कॉर्वस, क्रो, एग्जांपल देख लो, कोलंबा, पिजन, सिटाकुला, पैरट, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक, एप्टेनोडाइट, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। अब आ जाते हैं क्लास में मेमेलिया, ठीक है। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, बहुत जगहों पे पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एडाप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा सकता है, तो मेमोरी ग्लैंड इनके पास होते हैं, यंग वंस आर नरिश्ड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से ही यंग वंस को खाना वाना खिलाया जाता है। दे आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, जो करना है कर सकते हो। सिंग अगर हम अच्छा एक मिनट यहाँ पे देख लो, ऑर्निथोराइनस क्या है देख लो, मैक्रोफस क्या है, टेरिडोफस क्या है, बेलेनोप्टेरा क्या है, बेलेनोप्टेरा ये ब्लू वेल को कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है PYQ में, अगेन यहाँ मार्किंग बहुत जरूरी होती है ऐसी वाली। अब लास्ट में आ गए हम, अंतिम सांसें ले रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैमल यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, हेयर होता है इनके ऊपर, एक्सटर्नल ईयर पिना भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, हमें तुम्हें पता होगा इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। हार्ट फोर चेंबर्ड होता है, होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। वीवीपेरस होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, फ्यू एक्सेप्शंस प्लैटिपस का है। एग्जाम्पल देख लो, ओवीपेरस, ऑर्निथोराइनस, प्लैटिपस। वीवीपेरस की बात करें तो मैक्रोपस, कैंगरू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, एक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा, टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा, लियो, लायन।
अब यहाँ लास्ट में तुम एक टेबल देख लो, इसको पॉज करो और इस टेबल को ढंग से देखो, पूरे चैप्टर की समरी तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। इस टेबल को पॉज करो और ढंग से देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डिस्टिंक्ट फीचर्स। अगर ये टेबल तुम्हें आती है तो यहाँ से PYQ, नीट सब कुछ हो सकता है। इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने ही रहते हैं, तो इसको ढंग से कर लेना।